गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मानव के प्रमुख एवं सामान्य रोग लेसन नंबर 40 में हमने देखा कि जो मनुष्य के रोग हैं उनको हम अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं। जैसे जीवाणुओं से होने वाले रोगों को जीवाणुजनित रोग कह देते हैं, विषाणुओं से होने वाले रोगों को विषाणुजनित रोग कहते हैं। तो इसी क्रम में हमने सबसे पहले जीवाणुजनित रोगों को पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था, जिसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई थी। तो उस ट्रिक से हमने जाना कि कौन कौन से रोग जीवाणुओं से होते हैं। उसी क्रम में हमने देखा था कि जो पहला रोग जीवाणुओं से होने वाले जो रोग हैं उनमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं प्लेग। तो यहाँ पर हम इन रोगों को कुछ बिंदुओं के अंतर्गत पढ़ेंगे। सबसे पहले हम रोग के बारे में जानेंगे कि रोग जो कौन सा रोग होता है किस जीवाणु से। इसमें सबसे पहले फिर हम देखेंगे रोगजनक, यानी कि कोई भी जो रोग है उसका रोगजनक कौन है, यानी कौन उसको उत्पन्न करने वाला है। दूसरा हम पॉइंट देखते हैं इस रोग का संचरण, यानी फैलाव, कैसे फैलता है रोग, कैसे ये रोग फैलता है, संचरण। तीसरा पॉइंट इसमें हम पढ़ते हैं रोग के लक्षण क्या हैं, और चौथा पॉइंट हम पढ़ते हैं बचाव एवं उपचार, इस रोग से हम कैसे बच सकते हैं और क्या हम इसका उपचार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम रोग पढ़ रहे हैं प्लेग। तो प्लेग जो है इसका रोगजनक होता है पास्चुरेला पेस्टिस। पास्चुरेला पेस्टिस नामक बैक्टीरिया से ये रोग उत्पन्न होता है, रोगजनक जो रोग को उत्पन्न करने वाला है, रोग को फैलाने वाला, यानी रोग फैलता कैसे है, चूहों एवं गिलहरियों पर मौजूद पिस्सुओं द्वारा, यानी चूहे और जो गिलहरी हैं उनके शरीर पर छोटे छोटे पिस्सू पाए जाते हैं और उन पिस्सुओं के अंदर ये रोगजनक पास्चुरेला पेस्टिस पाया जाता है। तो एक तरह से इसको पिस्सू फैला रहे हैं, लेकिन पिस्सुओं को कौन फैला रहे हैं, चूहे व गिलहरियाँ। इसलिए रोग का जो संक्रमण या जो संचरण हो रहा है, फैलाव, वो चूहे व गिलहरियों द्वारा हो रहा है, उन पर मौजूद पिस्सुओं द्वारा हो रहा है। लक्षण देखें तो इसका जो लक्षण है तेज बुखार आना, इस रोग में रोगी को तेज बुखार आता है। इसके अलावा तेज बुखार की वजह से आरबीसी का नष्ट होना, यानी इसमें क्या होता है कि जो आरबीसी होती है हमारे ब्लड में वो नष्ट हो जाती है तेज बुखार के कारण, और जो व्यक्ति है उसकी गर्दन व टांगों पर गिल्टियां बन जाना, यानी गर्दन पर टांगों पर छोटी छोटी सी गांठें बन जाती हैं, ये इस रोग के लक्षण हैं। अब हम इसका बचाव कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो जो इसका संचरण करने वाले हैं उनको प्रवेश करने से रोकें, यानी कि घरों में चूहों एवं
खिलहरियों के प्रवेश को रोकना चाहिए हमको, ये घर में प्रवेश ना कर पाए। दूसरा है बचपन में प्लेन के टीके लगवाने चाहिए। ताकि इस रोगजनक से प्रतिरक्षा उत्पन्न हो सके शरीर में। तीसरा जो है एंटीबायोटिक्स का सेवन करना चाहिए। जैसा कि आपको पता होगा कि जो प्लेग है ये भी एक समय महामारी रह चुका है, लेकिन फिलहाल ये कोई महामारी नहीं है, ये पूरी तरह से जो है समाप्त हो चुका है रोग। तो इस तरह से हमने देखा कि जो पहला जीवाणु जनित रोग है वो प्लेग है, रोगजनक जो है पास्टुरेला पेस्टिस, संचरण चूहे एवं गिलहरियों पर मौजूद पिस्सुओं द्वारा फैलता है रोग। लक्षण इसमें तेज बुखार आता है, आरबीसी का नष्ट होना, गर्दन में टांगों पर गिल्टियां बनना। तो बचाव हम क्या करेंगे, घरों में चूहों और गिलहरियों का प्रवेश रोकना होगा। और दूसरा इसमें बचपन में प्लेग के टीके लगवाने चाहिए और एंटीबायोटिक्स का सेवन करना चाहिए। तो इस तरह से ही हमने प्लेग रोग जो है उसको पूरा पढ़ लिया है। अब हम इसी में अगला जो रोग है उसके बारे में बात करेंगे, जो ट्रिक से हमने लिया था। सेकंड जो रोग है वो है डिप्थीरिया। इसे रोहिणी रोग भी कहते हैं, रोहिणी। तो डिप्थीरिया जो रोग है उसको रोहिणी भी बोलते हैं। इसका जो रोगजनक है वो होता है कोरिने बैक्टीरियम, कोरिने बैक्टीरियम डिप्थेरी। रोगजनक जो है वो हमें याद रखना पड़ेगा, कोरिने बैक्टीरियम डिप्थेरी। इसका जो संचरण है ड्रॉपलेट के द्वारा होता है, यानी रोगी के खांसने, छींकने व थूकने से वायु द्वारा, यानी रोगी जब खांसता है, छींकता है, थूकता है तो इसके जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो वायु के द्वारा दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और उसको रोगी बना सकते हैं। ये इसका संचरण होता है इस तरह से। लक्षण अगर हम देखें तो इसमें भी व्यक्ति जो पेशेंट है यानी जो रोगी है उसको बुखार आता है और खांसी आती है और शरीर पर दाने उभरते हैं, यानी कि तेज बुखार आना, खांसी आना, शरीर पर दाने उभरना, ये इसके लक्षण हैं। बचाव के रूप में हम क्या कर सकते हैं, एक तो रोगी के संपर्क से बचना चाहिए, क्योंकि खांसने छींकने और थूकने से फैलता है, इसलिए जो रोगी है उसके डायरेक्ट संपर्क से बचना चाहिए, यानी वो खांसे छींके या थूके तो जो रोगी है उसको तो अपना मुंह ढक के रखना चाहिए और जो संक्रमित नहीं है उसको उससे बचना चाहिए, यानी कि उस व्यक्ति से दूर रहना चाहिए।
और अब इसमें क्या देखते हैं कि बचपन में डीपीटी, यहां पर देखो डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनस के टीके लगवाने चाहिए। यानी अगर प्रॉपर तरीके से टीकाकरण हुआ है तो उसको डिप्थीरिया रोग नहीं होगा, क्योंकि डीपीटी के टीके बचपन में लगते हैं, हमने पिछले टॉपिक में ये पढ़ा है। और अगर फिर भी रोग हो जाता है तो इसमें हम एंटी बायोटिक्स का सेवन करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि दूसरा जो रोग रोहिणी है, रोगजनक कोरिने बैक्टीरियम डिप्थेरी होता है इसका। संचरण रोगी के खांसने छींकने में थूकने से ये रोग फैल सकता है। लक्षण के रूप में तेज बुखार आना, खांसी आना, शरीर पर दाने उभरना, ये लक्षण प्रतीत होते हैं। बचाव के रूप में हमें रोगी के संपर्क से बचना चाहिए और बचपन में डीपीटी के टीके लगवाने चाहिए और कुछ विशेष एंटीबायोटिक्स हैं उनका सेवन करना चाहिए। इसके अलावा जो रोग हैं उनमें हम बचाव के रूप में पौष्टिक खाना, पौष्टिक भोजन जो है, स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल, इन चीज़ों का भी अगर अपन ध्यान रखें तो रोगी जो है वो जल्दी भी ठीक होता है और रोग उत्पन्न होने से भी उसको रोका जा सकता है। यानी कि उसके अगर अपन प्रतिरक्षा को मजबूत कर दें, अपने भोजन में कुछ ऐसे अवयवों को हम शामिल करें जो प्रतिरक्षा को बढ़ाते हैं, तो रोगों से बचा जा सकता है। तो आज हमने दो रोग पढ़े, इनका प्रॉपर हमने पॉइंट वाइज अध्ययन किया। अपनी स्टडी को पढ़ते रहिए, जारी रखिए बच्चों, बी सेफ, स्टे होम।